जावर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जहां जापानी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वही जापान जाकर रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। अब इन सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से मिलने देश की प्रसिद्ध आईटी कंपनी इंफोसिस के अधिकारी आ रहे हैं, और यह सब संभव हुआ है जावर के विधायक और प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से। जावर विधायक व प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से जावर के विद्यार्थी जहां जापान जा रहे हैं, वहीं जापानी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, और जापानी लैंग्वेज सीखकर जापान में रोजगार तलाश कर अपना भविष्य भी बना रहे हैं। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम यह उठा है कि देश की प्रसिद्ध आईटी कंपनी इंफोसिस की टीम जावर आ रही है। इंफोसिस की यह टीम जावर के सिंगोली जनकपुर में विद्यार्थियों से चर्चा करेगी और उन विद्यार्थियों से बात करेगी जो जापानी लैंग्वेज सीख रहे हैं। इंफोसिस की टीम 6 अप्रैल को सुबह 10:30 से 12 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोली का भ्रमण कर जापानी लैंग्वेज सीखने वाले विद्यार्थियों से मिलेगी और प्रमाण पत्रों का वितरण करेगी। यह टीम दोपहर 1 से 2 बजे के बीच शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनकपुर और मोरवन का भ्रमण करेगी। इंफोसिस टीम के अधिकारी दोपहर 2:30 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जावर में प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से भेंट करेंगे और जापानी लैंग्वेज को लेकर चर्चा करेंगे। पूरे प्रदेश में जावर विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जापानी लैंग्वेज सीखकर जापान में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और यह सब संभव हुआ है जावर के विधायक और प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से। उनके विजन और सकारात्मक सोच के बल पर ही जावर के विद्यार्थी अब जापान तक दौड़ लगा रहे हैं और अपना भविष्य संवार रहे हैं। इसी दिशा में अब देश की प्रसिद्ध आईटी कंपनी इंफोसिस का भी रुख जावर की तरफ हुआ है और वे सरकारी स्कूलों में पहुंचकर जापानी लैंग्वेज सीखने वाले विद्यार्थियों से मिल रहे हैं।